सोलन में पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित साइंस संध्या का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा, सोलन के विधायक धनीराम शांडिल, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। साईं संध्या में विश्व विख्यात भजन गायक पुनीत खुराना ने साईं भजनों से सारे शहर को भक्तिमय रस से सराबोर कर दिया। उपस्थित दर्शक मधुर भजनों में झूमते नजर आए। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा ने जहां एक और आयोजकों को सफल आयोजन की बधाई दी, वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि धारा 300 कैंसर की बीमारी की तरह थी, जो 70 वर्षों से देश को खोखला करने का काम कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे जड़ से ही उखाड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इसका आने वाले समय में ये सुखद पहलू रहेगा कि जो बच्चे आतंकवादियों के हमले से यतीम होते थे और माताओं बहनों के सुहाग उजड़ते थे, उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। JNK पूर्ण रूप से भारत का हो चुका है, जल्द ही POK भी भारत का होगा, ये उन्हें पूर्ण उम्मीद है। सोलन PG कॉलेज में 2 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आई टीमें अपने खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज की प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने की, वही इस मौके पर प्रोफेसर सतीश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक और सतीश शर्मा ने बताया कि हिमाचल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत PG कॉलेज सोलन में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 महाविद्यालयों से 14 छात्रों और 6 छात्राओं की टीम भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में जो विजयी रहेगा उनकी इंटर कॉलेज प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सोलन और मंडी जिला के बीच कड़ा मुकाबला होगा। सरगम कला मंच द्वारा सोलन के संस्कृत कॉलेज ने हिमाचली संस्कृति और वाद्य यंत्रों पर आधारित 2 दिवसीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया, वहीं इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और महेंद्र नाथ सौबित विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न टीमों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसका उपस्थित दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर सरगम कला मंच के इस प्रयास को सराहा और कहा कि ये अपने आप में एक लीक से हटकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा वाद्य यंत्रों पर आधारित वंदे मातरम गीत गाया गया था, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि वे इस गीत की जाँच करवाएंगे और अगर ये सही पाया गया तो इसे स्कूलों की प्रार्थना में शामिल किया जाएगा। लेखक संघ बिलासपुर ने किताबों की खरीदारी में राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर गहरा रोष प्रकट किया है। संघ का कहना है कि सिर्फ एक जिला को छोड़कर बाकी जिलों के लेखक व साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों की खरीदारी नहीं की जा रही। इसके चलते बिलासपुर जिला के लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें कार्यालय में खरीदारों की राह ताक रही है। हालांकि निजी स्तर पर लेखक अपनी थोड़ी बहुत पुस्तकों का विक्रय कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर अनदेखी होने से उनका मनोबल भी लगातार गिर रहा है। इस मामले को लेकर जल्द ही लेखक संघ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और BJP की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेगा। लेखक संघ बिलासपुर के अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा ने अस्पताल के समीप ब्यास सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभागार में लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों की हजारों प्रतियां उपलब्ध हैं। हालांकि कई बार प्रशासनिक व सरकारी स्तर पर पुस्तकों की बिक्री को लेकर कई ठोस व्यवस्था बनाए जाने के लिए राज्य सरकार से मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सिर्फ एक ही जिला के लेखकों की पुस्तकें खरीदी जाती हैं, ऐसे में क्या बाकी जिलों में साहित्यकार नहीं है। उन्होंने खरीद कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।